लोग कैसे हो, स्वागत है आप सभी का एक और WWE WrestleMania 39 के वीडियो में। तो भाई आज ये वाला मैच बहुत ही स्पेशल मैच होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिपल थ्रेट होने वाला है और रियल में भी ऐसा मैच देखने मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई WrestleMania 38 का अरिना मैंने ले लिया है, जैसे कि आपको पता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो रहने वाला है वो WrestleMania 39 का जो अरिना है उसमें खेलूँगा। तो भाई साहब मैं लेने वाला हूँ गंथर को, क्योंकि गंथर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे लगता है कि गंथर ही जीत सकते हैं। वैसे ये मैच में ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन आएगा, कौन मतलब कौन जीतेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा इस मैच में, ऐसा सीन है, समझ रहे हो। मतलब तीनों के जीतने के चांसेस है, शेमस का भी है और ड्रू मैकेंडर का भी है, गंथर का भी है, तो कुछ कह नहीं सकते आप लोग। फिलहाल हम मैच खेलेंगे गेम के अंदर। वैसे मुझे लगता है कि गंथर जीतेंगे, क्योंकि ड्रू मैकेंटायर और शेमस तो भाई टैग टीम है, तो वो लोग शायद पहले गंथर के ऊपर भारी पड़ेंगे और गंथर के चमचे लोग भी आएंगे मैच के अंदर, शेमस के चमचे भी आएंगे, ऐसे ब्रॉल हो जाएगा, उसके बीच में गंथर जीत के चले जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि ड्रू मैकेंटायर और शेमस का राइवलरी भी शुरू हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है भाई, हमें नहीं पता, पर जो भी है ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वैसे पूरा WrestleMania में एक यही मैच है जो कि आपको पता नहीं रहेगा कि जीतेगा कौन, बाकी सब मैच में आप अपना मतलब गणित लगा सकते हो कि ये जीत सकता है। मैं हाल फिलहाल गंथर हूँ, देख रहा भाई शेमस से ड्रू लड़ रहे हैं, मैं गंथर साइड से देख रहा हूँ। रिवर्स क्या शेमस ने, लड़ो भाई तुम लोग, मैं देखता हूँ तुम लोग को, लड़ो मैं तब तक सामान लेके आता हूँ, लड़ते रहे भाई, सामान निकाल के रखता हूँ। ड्रू मैकेंटायर भारी पड़ता हुआ, ये घान हो गया, दोनों मिलके मेरे को मारेंगे अभी, ये 2-on-1 हो चुका है। चलो शेमस पे दिमाग लगा, चीयर के ऊपर नेक ब्रेकर दिया है भाई, पता नहीं किसको लगा। वैसे तीनों सुपरस्टार चमाट बहुत ज्यादा मारते हैं, ये जो मूव है ना ये वाला, तीनों बहुत ज्यादा मारते हैं, तो आपको ये मैच में सुन 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 सुनने आ ही जाएगा। ये ले दोनों मेरे को, भाई मैं किसी को मारता हूँ दोनों, ये रियल जैसा हो रहा है भाई, ये लोग लड़ते हैं मैं बीच में आ रहा हूँ, मार करके चले जा रहा हूँ। वैसे रॉयल रंबल में गंथर ने दोनों का एलिमिनेट किया था, अगर आप बोले नहीं होगे तो, दोनों अच्छे जा रहे थे ड्रू और शेमस, और गंथर ने अकेले ने सबको एलिमिनेट किया था। डोमिनेट एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका है, ये खींच के चमड़ दिया भाई, ये ले दोनों को फटका दे दिया। ट्रिपल थ्रेट मैच याद रखना, जो भी पहले पिनफॉल करेगा वो जीतेगा। मेरे पास रेजिलेंसी है, तीनों के पास रेजिलेंसी है, मैंने अभी देखा ये बात। ड्रू मैकेंटायर को सामने वाला सुप्लेक्स, मेरा हेल्थ अभी खत्म नहीं हुआ, देख सकते हो नीचे सब डर के चले गए मुझसे, टूटा हुआ चेयर उठा कर रखा है मैंने। ओ ड्रू ड्रू मैकेंटायर स्टेप्स लेके आ रहे क्या, देखो भाई शेमस स्टाइल मार रहा है, ड्रू उसके मुंह पे मार के चले गया, पिनफॉल ऊपर ही होना है। चलो भाई सामान लेके रखता हूँ, और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो भाई देख लो जाके, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना बहुत टाइम लगता है यार मैच खेलने को, और वैसे भी मैं एक वीडियो ऐसा खेलने वाला हूँ जिसमें सारे मैचेस खेलूंगा, तो वो वीडियो तो देखना यार, बहुत ही बड़ा वीडियो रहने वाला है वो। तो सब सामान लेके रखा है मैंने, जो भी ऊपर आएगा मार खाएगा। ड्रू मैकेंटायर ऊपर आ रहे,
एक और सामान था वो भी लेके आ जाता हूँ। ये चेयर ड्रू मैकइंटायर दोनों को मार रहे और मेरे सामने पिनफॉल नहीं होने वाला भाई। ये मेरा फर्स्ट ट्रिपल थ्रेट मैच है वैसे रसल ये 2K23 में। सिग्नेचर खाना बनता है ड्रू का तो ये सबमिशन है। ये अच्छी बात है कि सबमिशन है तो सबमिशन कैसा है फटाफट दिया जाता है। फाइनली मैं मार खा रहा हूँ इस मैच में। किंडो स्टिक के ऊपर पावर बॉम्ब ड्रू मैकइंटायर पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई ड्रू मैकइंटायर इस गेम में कमोरा लॉक बहुत ज्यादा मारते हैं मैंने नोटिस किया। पता नहीं कमोरा लॉक से क्या है ड्रू मैकइंटायर का लेन देन। अरे भाई फिर से मेरा हाथ डैमेज मत करना भाई फिर मारने का ये कम हो जाएगा पावर। मैं नीचे खड़ा हूँ मतलब सोया हूँ तो इनके पास पूरा अपॉर्चुनिटी है पिनफॉल कराने का और शेमस वही करा रहा है। पता है ड्रू किकआउट कर लेंगे। थोड़ा स्टाइल मार दिया जाए मारते रहो भाई मैं आऊंगा बाद में अपने टाइम पर आऊंगा बराबर। शेमस स्टिक आउट करो। दिक्कत की बात यह है ना कि तीनों के पास रेजिलेंसी है यानी कि एक जीतने वाला मौका भी चले जाएगा हाथ से। ये ले तीनों बहुत ही खतरनाक सुपरस्टार है बहुत बड़े बड़े। शेमस का हेल्थ थोड़ा कम है तो मैं शेमस को अपना टारगेट बना सकता हूँ। चेयर के ऊपर जैक हैमर मारने का सोच रहा है शेमस। नहीं जैक हैमर नहीं सॉरी सुप्लेक्स। चलो शेमस का रेजिलिएंसी गया। 1 2 देखा अभी अगर रेजिलिएंसी नहीं रहती मैं जीत चुका होता पर ठीक है। ड्रू मैकइंटायर के पास फिनिशर सिग्नेचर दोनों है तो मुझे ड्रू को शेमस से दूर रखना होगा। रेजिलिएंसी जा चुकी है शेमस की और मैं रिवर्स नहीं कर पाया। अरे भाई साहब चीयर के ऊपर मार मारो ड्रू सीधा क्लेमर मार दो मैं तो कहता हूँ। ड्रू क्लेमर मारेंगे गंतर भाई रिंग जनरल। ये ले और मार स्टाइल भाई किंडो स्टिक क्या उछला यार। ड्रू पता नहीं स्टील स्टेप से कितना मारेगा ये देखो। अरे मेरे को भी मारने आ रहे ड्रू। ये ले दोनों को डोमिनेट करके रख दिया है मैंने हाल फिलहाल। बस मुझे ये ध्यान रहना है कि ड्रू मैकइंटायर शेमस से दूर रहे। ए तू जा रहे ऊपर अरे ड्रू पागल है क्या ये क्या क्या पता नहीं क्या किया ड्रू ने। एक तो टारगेट पता नहीं क्या कर रहा है। मेरे पास फिनिशर है तो ना ड्रू को। अरे भाई ड्रू मुझे बाहर मत भेजना अगर मैं बाहर गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा।
चलो ये ठीक है, रिवर्स किया, क्लेमर मार ड्रू, ये लग लड़ो, फिनिशर मार दो भाई एक दूसरे को, कोई तो स्टंट होना चाहिए, ये ले ड्रू मैकइंटायर, जल्दी 1 2 3 यस, क्या दिमाग लगा, मैंने देखा ड्रू मैकइंटायर वहां पे अटक गया था, अटक नहीं गया था मतलब वो थोड़ा आराम कर रहा था, तो मैंने उसका फायदा उठा के गंतर को जिता लिया। यह बात भाई दिमाग से खेलना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हो गाइस जैसे मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा और मैंने जीत के दिखा दिया, शेमस का टारगेट बनाया था रेजुलर से पहले खत्म किया, उसके बाद नॉर्मली पिनफॉल भी कराया। ठीक है, तो ये था हमारा एक और वीडियो असल में 39 का, अगले वीडियोस आने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है आप जाके चेकआउट कर लेना, सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।